हेलो, मैं हूँ कुशाग्र सिंह। आपने ट्रेन में जाते समय कई बार ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि ट्रैक्स के साइड में गिट्टी यानी कि जो बैलास्ट होती है वो हमेशा पर्टिकुलरली ट्रेपेजियम के शेप में रखी रहती है। अब आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि उसे ऐसे ही शेप में क्यों रखते हैं, डायरेक्टली उसे क्यों नहीं रखते। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। उसके पहले आप गिट्टी का काम जान लीजिए। गिट्टी को हमेशा रेलवे ट्रैक्स के नीचे डालना पड़ता है, उससे रेलवे ट्रैक स्टेबल होती है और साथ ही साथ वो मिट्टी के अंदर धंसती नहीं है। इतना सारा लोड वो काफ़ी आसानी से झेल लेता है। और गिट्टी होता क्या है, तो जो बड़े बड़े चट्टान रहती है, पत्थर रहते हैं, उन्हें तोड़ तोड़ के छोटे टुकड़े करके हम गिट्टी बनाते हैं। और वो भी गिट्टी का एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, वो इतने बड़े बड़े रहते हैं कम से कम। तो चलिए अब जानते हैं कि उसे ट्रेपेजियम शेप में ही क्यों रखते हैं। तो उसका सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न तो ये है कि वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है। मतलब कि जो गिट्टी है अगर उसे ट्रेपेजियम के शेप में रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्थिर रहती है। वैसे शेप में रखने से गिट्टी आपस में आराम से इंटरलॉक हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ वहाँ फिसलती नहीं है, जिस कारण से इन्हें कई सालों तक के वैसे रखा जा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे मेन रीज़न तो आपने समझ लिया कि स्टेबिलिटी के लिए उसे हम वैसा रखते हैं। अब मैं आपको सेकेंड रीज़न बताता हूँ। ट्रेपेजियम शेप में रखने से वो जितनी भी गिट्टी है उसका वॉल्यूम निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हम उससे उसकी वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। तो गिट्टी कितने क्वांटिटी में वहाँ रखी है इसका पता हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो दूसरा रीज़न था वो ये था कि हमें उसका वॉल्यूम बहुत आसानी से पता लग जाता है, मतलब कि उसकी जो क्वांटिटी है हम वो बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं क्योंकि वो ट्रेपेजियम शेप में रहता है। अब मैं आपको तीसरा रीज़न बताता हूँ। इंडिया में हर जगह चोरी की प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा है, भले ही वो रेलवे हो या फिर कुछ और हो। यहाँ पे अगर चोरी होती है ना तो एकदम बड़े बड़े अमाउंट में होती है, और इसी चोरी को रोकने के लिए गिट्टियों को ट्रेपेजियम शेप में रखा जाता है। क्योंकि उससे क्या होता है, गिट्टी को ट्रेपेजियम शेप में रखने के बाद उसे वाइट चूना मार दिया जाता है, मतलब कि उसे वाइट पेंट कर दिया जाता है उसके जो कॉर्नर रहते हैं, उसके जो एंड्स रहते हैं वहाँ पर, जिससे कि मान लीजिए कभी भी अगर किसी ने गिट्टी चोरी करने की कोशिश की तो हमें डायरेक्टली बहुत ही आसानी से पता लग जाएगा किसी ने वहाँ से गिट्टी चोरी करी है, क्योंकि उसका जो पूरा शेप है वो एकदम गड़बड़ा जाएगा। और जैसे गिट्टी वहाँ से निकालेंगे तो जो बाकी की बची हुई गिट्टी वो पूरा डिसबैलेंस हो जाएगी और यहाँ वहाँ बिखर जाएगी, जिससे कि ये चीज़ बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है कि किसी ने गिट्टी को चोरी किया है। तो रेलवे ने काफ़ी दिमाग लगाकर गिट्टी को चोरी होने से बचाने के लिए ट्रेपेजियम शेप में रखा। तो अब आप समझे होंगे कि गिट्टी को ट्रेपेजियम शेप में ही क्यों रखा जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक है, उसे जाकर ज़रूर से फॉलो करें। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करें। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में ऐसी बहुत सारी ट्रेन्स की जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।